करती हूँ, आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी बहुत कीमती है, एक बार मिलती है, तो अच्छे तरीके से आप जितना जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी को जी लें। आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोग की फरमाइश पे कोफ्ते। आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ते बनाएंगे, जो बछिया के गोश्त से हम बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हमें जो चीज़ें शामिल हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये हमने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। ये हमने असल में हम अपने गोश्त वाले से मैं बोटी लाती हूँ, बोटी का गोश्त लाती हूँ, फिर मैं अपनी मशीन में कीमा कर लेती हूँ अच्छी तरह से। मैंने डबल इसको कीमा किया है, बिल्कुल बारीक कीमा बन गया है ये। पहले हमने इसको अच्छी तरह से गोश्त को धोया था, पानी निकाला, उसको बास्केट में डाल के आधे घंटे पानी जब निकल गया अच्छी तरीके से, फिर हमने कीमा बना लिया मशीन में डाल के। ठीक है, ये आधी प्याली भुने हुए काले चने हैं, आधी प्याली, और ये एक बड़ी गड्डी है प्याज की, ये हमने बारीक काट ली है। अदरक लहसुन शामिल होगा, नमक शामिल होगा, हसबे ज़ायका पिसा हुआ गरम मसाला है ये हमारे पास, ये शामिल होगा। ये हमारे पास सफ़ेद खशखाश है, ये देखें ये खशखाश है, इसको हम अच्छी तरह से प्याली में डाल के, इसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है, इसको हम प्याली में डाल के और धो लेंगे, जो चाय की जो छन्नी होती है उससे छान के इसको अच्छी तरह हम धो लेंगे। मैं आपको धोकर भी दिखाऊंगी किस तरह इसको धोते हैं। और ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, ये हम हरी मिर्च शामिल करेंगे, 7 से 8 हरी मिर्चें हम शामिल करेंगे। ये सारे मसाले हम सिल पे पीसेंगे। अगर आपके पास अच्छा ब्लेंडर है जिसमें आप चने खशखाश जो होती है वो अक्सर ब्लेंडर में बारीक नहीं पीसती, अगर आपके पास अच्छा हेवी मशीन का ब्लेंडर है तो आप मशीन में पीस लें। क्या कहते हैं, सबसे चने जाएंगे, काले चने हम भुने हुए कने चने हैं, हमने इसके छिलके उतार दिए, ये पीसेंगे, प्याज पीसेंगे, अदरक लहसुन पीसेंगे, हरी मिर्चें और खशखश, ये हम पांचों चीज़ें नमक और गरम मसाला शामिल करके अपने टेस्ट के हिसाब से ये हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ खशखश धोने का तरीका। बड़ी कटोरी में ये हमने देखें अपनी खशखश पानी में भिगो दी अच्छी तरीके से, हमने इस तरह से पानी में डाल दी है, भिगोई है, हम इसको हिलाएंगे। इसमें बहुत मिट्टी होती है, अक्सर लोग इसी तरह पीस लेते हैं तो साफ़ नहीं करते। अगर आपके पास अच्छी ब्रांड की मिलती है, अच्छे से कोई सुपर मार्केट है और आपके पास अगर खशखश अच्छी मिलती है, वैसे आप मार्केट से सुपर मार्केट से लें, कहीं से भी लें, मिट्टी इसमें लाजमी होती है, बहुत इसके अंदर डस होती है। तो देखिए इस तरह से आप मिक्स कर लें, फिर ये चाय की छन्नी लें, जो चाय की छन्नी जिसको कहते हैं, इसमें फिर इस तरह से छान लें, इस तरह से छानें, फिर इसमें और पानी शामिल करें, फिर आप इस तरह से दोबारा इसको देखें, ये जो है ना ये मिट्टी है, ये सारी मिट्टी है इसके अंदर, खशखाश में मिट्टी है ये, दोबारा इसमें शामिल करें, मिट्टी तो आपको पता है नीचे बैठ जाती है, फिर करें फिर इस तरह से अच्छे हाथ हल्के हाथ से देखें, बहुत अच्छी हमारी छन गई है, देखें सारी मिट्टियाँ नीचे बैठ गई और ये बिल्कुल सही छन गई है। इसको 2 मिनट इस तरह रख दें ताकि अच्छी तरह से सारा पानी इसमें से निकल जाए। अब हम आपको सारे मसाले पीस के बताएँगे, अदरक लहसुन प्याज चने खशखाश सब हम आपको पीस के फिर हम आपको बताते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, इसमें हमने लिया था आधी प्याली, हमने चने लिए थे सफ़ेद भुने हुए चने थे, हमने उसके छिलका उतार के सिर्फ जो सफ़ेद चने थे वो शामिल करे हैं। 3 चम्मच हमने खाने के 3 चम्मच खशखश शामिल करी है, 1 छोटी घंटी हमने प्याज की शामिल करी है, 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल करी हैं, अदरक लहसुन शामिल करा है हमने इसके अंदर,
और हमने पिसा हुआ गरम मसाला आधी चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है, और एक आधी चाय का चम्मच, आधे खाने का चम्मच हमने इसमें नमक शामिल किया है। ये हमने बिल्कुल सूखे फॉर्म में पीस लिया है। अच्छा, प्याज पीसने का मकसद ये है कि कोफ्तों में अपने प्याज पीसने का मकसद ये होता है कि इस तरह से कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ़्ट बनते हैं, अंदर से बहुत जूसी बनते हैं और बहुत सॉफ़्ट कोफ्ते बनते हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसलिए पीसी हैं ताकि अगर आपके घर में बच्चे हैं, ज़ाहिर है बच्चे भी होंगे बड़े भी होंगे, सब खाएंगे। हरी मिर्चें अगर आप खाली ऐसी चॉप करके डालेंगे तो बच्चों के मुंह में आती हैं, मिर्चें लगती हैं, तो आप पीस के डालेंगे तो भरपूर इसका जायका आएगा हरी मिर्चों का, और किसी के मुंह में भी नहीं लगेंगी, मिर्चें भी नहीं लगेंगी। इस तरह से हमने देखें बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल पीसा है हमने, पानी शामिल नहीं करा है। पानी इसलिए शामिल नहीं करा, हम अगर कोफ्तों में पानी शामिल करेंगे, मसाले में पानी शामिल करेंगे तो कोफ्ते हमारे पतले हो जाएंगे, वो हमारे फिर बॉल उस नहीं बन पाएंगे सही। आधा किलो ये हमने देखें गोश्त कीमा लिया था, बीफ का हमारा कीमा था, हमने मशीन में अच्छी तरह से कीमा बना लिया है। आप जहाँ से भी कीमा लेते हैं, अगर आपके पास मशीन नहीं है कीमे की, तो आप अपने कीमे वाले से, गोश्त वाले से आप दो बार ये मशीन में कीमा निकलवा लें। और इसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से आप मटन भी बना सकते हैं, मटन के भी कोफ्ते बना सकते हैं और चिकन के भी बना सकते हैं। चिकन में यह है कि आपको सीने का पीस लेना पड़ेगा, बोनलेस लेना पड़ेगा जिसमें हड्डियां नहीं होंगी, फिर उसका कीमा बना के आप इसी तरह से सेम यही रेसिपी होगी, बस गोश्त चेंज हो जाएगा, बीफ मटन और चिकन तीनों आप इसी तरह बना सकते हैं सेम। ये हरा धनिया लिया है हमने, हरा धनिया हमारा ज़्यादा शामिल होगा। इस ये सारा मसाला हम अच्छी तरह से अपने कीमे में मिक्स कर लेते हैं, बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत जायके से भरपूर बनेंगे। हरा धनिया भी साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। कुछ लोगों का कहना होता है कि अंडा भी शामिल करें कोफ्तों में, कोफ्तों में बिल्कुल अंडा शामिल नहीं होता है, चने और खसखस शामिल होते हैं। अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आपके पास जो बेसन होता है उसको आप तवे पे भून के वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चने शामिल करेंगे उससे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। अच्छा, नमक चेक करने की इसकी एक टिप्स ये है, छोटी छोटी टिप्स होती हैं वो आप याद रखें हमेशा, प्याज पीस के डालें, हरी मिर्चें पीस के डालें, सॉफ्ट बनेंगे। और नमक चेक करने का तरीका ये है, जब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको, जिस पतीले में आप या कढ़ाई में जिसमें भी आप अपने कोफ्ते का सालन बनाएंगे उसमें आप ये लेके थोड़ा सा लेके इसको फ्राई करके और फिर चक्कर देख लें। इस तरह से अगर नमक कम है तो आप नमक शामिल कर सकते हैं ऊपर से, और नमक चेक करने का ये आसान तरीका है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं ये, हमेशा याद रखें, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनकी वजह से ही खानों में जायका आता है। अगर हम ये नज़रअंदाज कर दें तो हमारे खानों का जायका चेंज हो जाता है। बहुत अच्छी तरह आप अपने कीमे को टाइट हाथों से मिक्स करें ताकि जो मसाला है सारा जब्स हो जाए अच्छी तरह से आपके गोश्त में। अगर आप ग्लव्स पहन के करते हैं तो आप ग्लव्स पहन के कर लें, हाथों की मदद से अच्छा होता है। अच्छी तरह से अपने जब भी आप खाना बनाएं आप इस तरह से तो अपने नाखून काट के रखें, हाथ अच्छी तरह से आप धो के पाक करके आप खाना बनाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाएं, अल्लाह आपके खानों में बरकत दे। सब मिक्स हो गया अच्छी तरह से हमारा कीमा, अब इसके हम कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते छोटे बड़े साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से लेके बहुत टाइट हाथों से इस तरह से आपने जोड़ने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, छोटे बड़े आप अपने साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं जितने आपको पसंद हैं। ये एक बड़ा बनाया है, मैं अब आपको छोटा भी बना के दिखाती हूँ। ये बनने के बाद जब खाना तैयार होता है तो ये मज़ीद और बड़े हो जाते हैं। इस तरह से टाइट हाथों से यूँ दबा दबा के बनाएं। कितने अच्छे बने हैं ये देखें,
और ये अक्सर लोगों के टूट भी जाते हैं, तो मैं आपको बनाते टाइम बताऊंगी, जब हमें फ्राई करूंगी कोफ्ते, मैं आपको जब बताऊंगी कि ये किस वजह से टूट जाते हैं और किस वजह से नहीं टूटेंगे, मैं बनाऊंगी, आपको टिप्स दूंगी, आप उस तरीके से बनाएं, बिल्कुल आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। चलें अब हम सारे कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते बना के हमने साइड पे रख दिए हैं। हम अपना ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 3 टमाटर हैं हमारे पास और ये 2 घंटी प्याज की हैं। अदरक लहसुन है हमारे पास, ये देखें अदरक लहसुन है हसबे ज़रूरत, आप अपने खाने के हिसाब से हसबे ज़रूरत ये लहसुन अदरक डाल सकते हैं। इन दोनों को हम अच्छी तरह से ग्लेंडर में ग्रेवी बना लेंगे, पीस लेंगे, यानी कि मैस्ट मैस्ट कर लेंगे, अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे हम। अदरक लहसुन प्याज और टमाटर का ब्लेंडर में डाल के हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अदरक लहसुन का टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है हमने। सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं अच्छी तरीके से, गोल नॉर्मल साइज़ के बनाए। चलें अपने किचन की जानिब चलते हैं, बनाने का तरीका आपको बताते हैं किस तरह कोफ्ते बनेंगे आज। नॉर्मल साइज़ की हमने पतीली ली है, इसमें हम हसबे ज़रूरत तेल शामिल करेंगे, जितना हमें चाहिए, आधी प्याली से थोड़ा सा कम ही तेल शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करेंगे, गरम मसाले में तेज़पात है, सफ़ेद इलायची है, लौंग है, इस तरह की लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और काली मिर्च है, ये शामिल करेंगे। और साथ ही बिल्कुल छोटी सी हमने प्याज ली है, चौथाई हिस्सा है प्याज का, ये हम शामिल कर देंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को हम, बिल्कुल हल्की सी हमने प्याज को सोते करनी है। प्याज को हमने 1 मिनट सोते किया है, फ्लेम अपना बिल्कुल आहिस्ता कर लेंगे हम। उसके बाद ये कोफ्ते हैं हमारे पास, ये हम एक एक कोफ्ता इसमें रखते रहेंगे इस तरह से। आप इस तरह बनाएंगे ना, आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। इस तरह से हम सारे कोफ्ते रख देंगे अंदर, इस तरह से हमने कोफ्ते रख दिए हैं। अपना फ्लेम हल्का सा हमने तेज़ किया है। अब हम पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा साइड से पानी शामिल कर देंगे ये हम, बिल्कुल ज़रा सा ये हमने पानी शामिल कर दिया, कोफ्तों पे नहीं डाला हमने, साइड में पानी डाला है, पानी शामिल किया है हमने, बिल्कुल थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है। इसके बाद हम चूल्हा तेज़ कर देंगे, अपना फ्लेम बिल्कुल फुल आँच कर देंगे। उसके बाद जब ये पानी पकने लगेगा तो हम चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देंगे और स्टीम में पकाएंगे। 7 मिनट, 5 से 7 मिनट हम स्टीम में पकाएंगे। ये देखिए पानी उबलने लगा है, बहुत अच्छा पानी उबल रहा है, ये स्टीम में ही पकेंगे। ये देखें कितना अच्छा रंग आ गया है, स्टीम में बनेंगे। इसी तरह हम तकरीबन हल्की आंच कर देंगे, 5 मिनट के लिए स्टीम में बनाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच करके 5 मिनट में हम ढककर स्टीम में बनाएंगे। इससे ये इस तरह बनाने से ये होता है, एक तो हमारे कोफ्ते टूटते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और सॉफ्ट बनेंगे बिल्कुल। 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे स्टीम में हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं एक एक करके, बहुत अच्छे हो गए। जब आप कोफ्ते डालें इसमें पानी डालें तो बिल्कुल हिलाएं नहीं, ये स्टीम में बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। अब आप जिस तरह चाहें बना लें और इस तरह भी खाएंगे तो बहुत, ये अंदर तक पक चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं ये, हम सारे निकाल देते हैं। सारे कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं, ये बहुत मुनफरिद तरीके से हम बना रहे हैं और बहुत जायके से भरपूर होते हैं। खावा है हम वो शामिल कर लेंगे, टमाटर अदरक लहसुन प्याज ये शामिल करके तेज़ आँच में मसाला भूनेंगे। टमाटर प्याज अदरक लहसुन हमारा भुन रहा है, इसमें मसाले शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, साथ ही हम पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच,
मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच हम नमक शामिल करेंगे, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे हम, 2 मिनट हम मसाले को भूनते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। बहुत मज़ेदार मसाला हमारा भुन रहा है, लेकिन तेल भी इसका अलग हो रहा है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू, आलू भी हम भूनेंगे अच्छी तरीके से अपने मसाले के साथ ही। अच्छा, ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप आलू पसंद नहीं करते तो आप नहीं डालें, आप इसी तरह मसाला भून लें, लेकिन आलू और कोफ्ते का साथ है, जोड़ी है आलू और कोफ्ते की जोड़ी है। कोफ्तों में आलू नहीं हो तो मज़ा नहीं आता कोफ्ते खाने में। इसको हम भूनेंगे 2 मिनट, और आलू भी हमने ये लंबे इस तरह काटे हैं, लंबे लंबी शेप में आलू कटते हैं। जब भी आप आलू गोश्त में डालें, आलू कोफ्ते बनाएं आप, तो इस तरह से लंबे आलू काटें, इसी तरह आलू कटते हैं। इसको हम 2 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। हमेशा मैं आपको बताती हूँ मसाला अच्छा भूनना है, जितना आप मसाला भूनेंगे उतना हमारे देसी खानों में जायका आएगा। मसाले पे आप बहुत गौर करें, जब मसाला भूने तो बहुत अच्छा मसाला सा बहुत अच्छा मसाला भूने, थोड़ा टाइम लगा के भूने, जल्दी जल्दी नहीं भूने। जितना आपका मसाला अच्छी भुनाई होगी उतना जायका आएगा। तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए भूनते हुए, मैं 2-3 मिनट और भुनाई करूँगी। मसाला हमारा भुन चुका है, तेल बिल्कुल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया, मसाले बिल्कुल मसाले में दाना दाना बन गया है। मसाले की जब छींटे उड़ने लगें तो आप समझ जाएं कि मसाला हमारा भुन चुका है। इसमें हम अपने कोफ्ते शामिल कर लेंगे इस तरह से। सिर्फ हम आधा मिनट कोफ्ते डाल के आधा मिनट हल्के आंच से भूनेंगे। कोफ्ते डाल के हमने भून लिया है अच्छी तरीके से, हल्के हाथ से भुने हैं। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, आधा गिलास हम पानी शामिल कर रहे हैं। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से आप ग्रेवी के लिए पानी शामिल कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी सही लगती है। अब हम इसको ढककर आलू गलने तक पकाएंगे, पानी में उबाल आएगा, पानी हमारा उबलेगा, उसके बाद हम ढककर आलू गलने तक तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये देखें कोफ्तों का पानी जो हमने डाला थी, ग्रेवी डाली थी, वो उबाल आ गया है। अब हम ढककर हल्की आंच पे बिल्कुल आलू गलने तक पकाएंगे 10 मिनट, 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं, 10 से 12 मिनट गुज़रे हैं, आलू हमारे गल चुके हैं। इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच। हमारे पास जायफल जावित्री है, पिसी हुई जायफल जावित्री है, 1/4 चम्मच हम जायफल जावित्री शामिल करेंगे ऊपर से। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं जायफल जावित्री, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, आप डालें, बहुत अच्छा जायका आता है, खुशबू आती है। मैं हम साथ ही हरा धनिया शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करके हम 1 से 2 मिनट ढक के पकाएंगे, ताकि हरे धनिए और गरम मसाले का जायका जो है वो हमारे खाने में शामिल हो जाए। 1 मिनट हम ढक के पकाते हैं, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। 2 मिनट गुज़र चुके हैं, कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं, फ्लेम हमने बंद कर दिया, हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम डिश में निकाल लेते हैं, फिर हम आपको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। बहुत मज़ेदार हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।